नमस्कार, शाम के 7:30 बजने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ अदिति अवस्थी। वक्त हो गया है न्यूज 100 का, लेकिन पहले नजर डालते हैं आईपीएल की टॉप खबरों पर आईपीएल सुपरफास्ट में। आईपीएल में आज बैंगलोर और पंजाब के बीच मुकाबला। बैंगलोर में होगा घमासान, रात 8 बजे से होगा मैच। प्लेऑफ में दावेदारी मजबूत करने उतरेगी पंजाब की टीम। बैंगलोर की टीम पहले ही प्लेऑफ से हो चुकी है बाहर। पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर है पंजाब की टीम। टूर्नामेंट में अब तक 9 में से 4 मैच जीते। शानदार फॉर्म में है पंजाब की टीम। पिछले मैच में दिल्ली को दी थी मात। प्लेऑफ के लिए हर हाल में जीतने होंगे बाकी के मैचेस। बैंगलोर के खिलाफ पंजाब का बैटिंग लाइनअप मजबूत। हाशिम अमला, मार्टिन गप्टिल और ग्लेन मैक्सवेल पर निगाहें। स्टार खिलाड़ियों के बावजूद मुश्किल में बैंगलोर की टीम। एकजुट होकर नहीं कर पा रहे प्रदर्शन। पंजाब के बैट्समैन मार्टिन गप्टिल को बैंगलोर के खिलाफ जीत की उम्मीद। कहा बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर जीतेंगे। आईपीएल के प्लेऑफ से बाहर हुई गुजरात की टीम। दिल्ली ने किया बाहर। 208 रन बनाकर भी मैच जीत नहीं पाई गुजरात। दिल्ली के ऋषभ पंत ने फिर खेली आतिशी पारी। गुजरात के खिलाफ दिल्ली को दिलाई जीत। 43 बॉल्स पर 97 रन बनाए। सचिन तेंदुलकर ने की ऋषभ पंत की तारीफ। कहा आईपीएल के सबसे बेहतरीन पारियों में से एक। दिल्ली के कोटला में ताबड़तोड़ छक्कों से टूटा 7 साल पुराना रिकॉर्ड। दिल्ली गुजरात के मैच में कल लगे कुल 31 छक्के। पहले आईपीएल मैच में था 30 छक्कों का रिकॉर्ड। दिल्ली के ऑलराउंडर एंडरसन ने मैच में लिया शानदार कैच। गुजरात के बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को आउट कराया। बैंगलोर के जश्न में फिर एक साथ देखे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। टीम के 10 साल पूरे होने के लिए किया गया सेलिब्रेशन। आईपीएल में कल खेले जाएंगे 2 मुकाबले। पहले मैच में पुणे की हैदराबाद से होगी टक्कर। हैदराबाद में खेला जाएगा मुकाबला। दूसरे मैच में दिल्ली का मुंबई से होगा मुकाबला। जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है दिल्ली की टीम। दिल्ली में ही होगा मैच। आईपीएल में अपनी फॉर्म से खुश है डेविड वार्नर। कहा चैंपियंस में भी बरकरार रखना चाहते हैं यही फॉर्म। फ्लाइट में हरभजन सिंह की बेटी के लिए मिशेल जॉनसन ने की मस्ती। फ्लाइट में हरभजन और गीता मौजूद थे।